अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सर्दी भी बहुत ज़्यादा है आजकल, ठीक है। परिंदे भी हमारे कुछ बीमार हो रहे हैं, जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि हम कुछ परिंदे जो हैं अपनी केज से शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं। तो एतवार के दिन हमने उनको जाके मंडी में सेल आउट कर दिया था, ठीक है। अभी सर्दी कुछ ज़्यादा ही हो रही है, ये बीमार भी पड़ रहे थे कबूतर हमारे। और नेक्स्ट मंथ तक जब मौसम बेहतर होगा तब हम और परिंदे ले आएंगे और आपको शौक करवाएंगे। चलते हैं, अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और आपको शौक करवाते हैं। इनको खोलते हैं पहले। अभी जो हैं ये परिंदे रह गए हमारे, ठीक है। जो हमें रेगुलरली देख रहे हैं उनको तो पता चल जाएगा कि कौन कौन से परिंदे हमारे शॉर्टलिस्ट हुए हैं, ठीक है। तो चलो इनको बाहर निकलते हैं। चलो खोलते हैं। इनको जी आज है 22वां दिन, माशाल्लाह दोनों ही खूबसूरत हैं, ठीक है। ये कहता है मुझे भी बाहर निकालो, अभी तो अच्छा टाइम लगेगा बेटा। देखें शौक करें जी, माशाल्लाह दोनों ही खूबसूरत, उनको भी निकाल लेते हैं। कांडे वाला अभी तक कोई सीन नहीं है, क्या मेल भी इसका काफ़ी बीमार था, एक दो दिन आँख की खराब थी कि ये खाल का फेर है। ये भी 5-6 दिन तक इंशाल्लाह इसके अच्छे निकलाएंगे। इसको देखो लगा पड़ा अकेला ही, दाना डाल देते हैं। दाना खाते हैं हम चल के केज के अंदर का माहौल देख लेते हैं, कितने अंडे और कितने बच्चे निकले पड़े हैं, ठीक है। चलो तो चलते हैं। जी चेक कर सकते हैं आप, वाइट असील पेयर के मेकर में दोनों बच्चे ही निकले हुए हैं, ठीक है। चेक करवाता हूँ मैं, ये वो दूसरे वाइट असील के हैं, वाइट असील और फिरोजपुरी के दो अंडे। ये भी हैं दो असील के अंडे, ये हमने 3 अंडे रखे हैं, एक अंडा जो है वर्जन शिराजी का रखा है इसके अंदर, ठीक है। और ये है रामपुरी के दो अंडे हैं, दो अंडे बैठे हैं। ये अंडा जो है ये है सर्द शिराजी का, ओके पहली दफ़ा इसने उतारा है, ठीक है। और इसको हम फेंक देते हैं या फिर जिसके नए अंडे निकले ना उधर रख देते हैं, इसके रख देते हैं हम 3 अंडे,
ठीक है, ये भी तीन हो गए हैं। सियाह गौपिया जो है उसके भी हमने तीन अंडे कर दिए हैं। ठीक है, ये दोनों वाइट असील हैं माशाल्लाह, ये बहुत अच्छे बच्चे ग्रो करते हैं। अब ये जो है ये कल या परसों तक मेरे ख्याल में ये भी निकल ही आएंगे बच्चे इसके। नहीं अभी देर है, तीन चार दिन बाद जी इनका आप शौक कर सकते हैं। दाना इन्होंने अपना ख़त्म कर लिया, ठीक है, अभी सिर्फ हमारे पास यही पिजन्स रह गए हैं। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता अच्छे अच्छे पेड़ डालेंगे, इनका आपको शौक दिखवाएंगे। ठीक है, कैसे देखो लगे अपने, देखो इनको पता ही नहीं है। हमने अपना दाना ख़त्म कर लिया है, अब इनको पानी पिलाते हैं। पानी पिलाने के बाद फिर हम इनको बंद कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 2-2:30 बजे हमारा फिर टाइम स्टार्ट होता है हमारा कबूतरबाजी का। ठीक है, उसका भी आपको हम शौक डेली करवाते रहते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।